जाएगा, काहे तो टेंशन ले रही हूँ मैं। अभी रोई है थोड़ा सा। बहुत सही लग रहा है, देखते हैं चीज है। वाह, 6 महीने बाद। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर ब्लॉग चैनल। तो अभी मैं नहा धो के खा पी के एकदम रेडी हो चुकी हूँ और अभी टाइम हो रहे हैं 8:30। तो अब मैं निकलूँगी क्लास के लिए। उसके बाद आज सोच रही हूँ थोड़ा सा बाल कटिंग करवाने का, क्योंकि बहुत दिनों से ना कटवाई नहीं हूँ, बहुत सालों से। तो थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सा कट करवाऊँगी, देखते हैं कौन सा स्टेप कटवाना है, फिर अब मैं आपको दिखाऊँगी ज़रूर। और आज ना धूप थोड़ा कम है, थोड़ा क्या है ही नहीं अभी तो। सुबह में ना बहुत बारिश जैसा हो रहा था, लेकिन अभी बारिश हुई नहीं है अभी तक। मुझे तो लग रहा है कि फिर से धूप निकलने वाली है। और गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे इस हाथ को कैसा हो जाता है सर्फ छूने के बाद। अभी मैं कपड़ा धोई हूँ और उसके बाद आप मेरा हाथ देख सकते हो, क्योंकि सर्फ मुझे ना सूट नहीं करता है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। एंड बहुत दिनों बाद मैं ऐसे ब्लॉगिंग कर रही हूँ एंड मेरी तबीयत भी अब थोड़ी बहुत ठीक हो ही गई है, तो मैंने सोचा चलो ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। एंड अभी बजे हैं सुबह के 10:30 और मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ। बस बहुत ज़ोर की भूख लगी है, तो पानी वानी तो मैं सब कुछ पी लिया था सुबह ही, तो अभी जाती हूँ खाना खाऊँगी। एंड क्लास गई हुई है तो वो जब आएगी तब तो लंच करेंगी, फिलहाल अभी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। सो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा खाना आ चुका है। और खाना में क्या है वो मैं आपको कैसे दिखाऊँ, दिखाने दिख रहा है। रोटी है, मूंग का दाल है और ये भुजिया है। तो अभी मैं खा के उसके बाद आपसे मैं मिलती हूँ कुछ देर बाद। 2 hours later। और गाइस, इसको आप देख सकते हो ये आ चुकी है। बहुत देर मैंने इसका वेट किया, आज लेट हुआ था, 1.5 घंटे लेट आई है ये लड़की। फ़ोन मैं नहीं की, मुझे पता था ये पार्लर जाने वाली है आज। और लड़की जब पार्लर जाती है ना तो 2-3 घंटे बाद ही आती है, या ना खटारा मशीन को थोड़ा न्यू करने में टाइम लगता है। ऐसा हम लोग कुछ खास करते नहीं, तो मजाक था, बाल कटाने गई थी और वहाँ पे वीडियो बनाना अलाउ नहीं था, इसलिए मैं नहीं बना पाई। ऐसा कौन सा पार्लर था यार, उतना बड़ा बड़ा पार्लर में तो वीडियो बनाने मिलता है, झूठे का चौचला रहता है सब का। हाँ, तो मैं आपको दिखाती हूँ कौन सा कट है तुम्हारा। मल्टी कट। वाह, कितना रुपया फूक के आई हो आज। 150 दे देना हमको, हम खाएंगे। सो गाइस, इसका बाल देख सकते हो, बहुत सही लग रहा है, देखते हैं। पता नहीं कैमरा में सही से आ नहीं रहा। आई और अभी लाइट कटी हुई है, कपड़ा भी चेंज नहीं की हूँ, जा रही हूँ चेंज करने के लिए, उसके बाद खाना खाऊंगी। भूख लगी बहुत जोरों की, डेली का यही नौटंकी है लाइट का। पता नहीं जिस दिन ज़्यादा गर्मी रहेगा उस दिन और भी ज़्यादा लाइट कटती है यार। बहुत ज़्यादा मेरा बाल ना खराब लग रहा था पीछे से, इस वजह से खोलने के बाद ना और अजीब लग रहा था। वैसे मैं ना, पता है आपको, तीन चार साल पहले ना मैं बाल कटवाई थी, मैं खुद से काटती हूँ, मुझे खुद से काटना शौक है। मुझे ऐसा लगता है ना कि पार्लर वाला जो होती है कैची, उससे मेरा बाल ख़राब हो जाता है, इसलिए मैं खुद से कट करती हूँ। आ रहे हैं खाने के लिए, अब लाइट का वेट तो नहीं कर सकते क्योंकि भूख लगी, नहीं आने वाली है लाइट अभी, इसलिए चावल बनाई हूँ। चलो, रूम में अंधेरा अंधेरा आप देख सकते हो। तो खाओ इससे। हाँ, तो गाइस खाना हम लोग का लग चुका है और लाइट भी आ चुकी है अभी। हाँ, तो खाना आप देख सकते हो यहाँ पे, दिख नहीं रहा। हाँ, खाना आप देख सकते हो, चावल दाल, मूंग का दाल है ये, ठीक है ना, भुजिया और पापड़ और अचार में रूम में लूँगी। शाम के बज रहे हैं अब 3:30 एंड धूप आप देख सकते हो, थोड़ी थोड़ी सी धूप है। सो गाइस, अभी जितनी तो मिलती जाए उतनी मुझे थोड़ी थोड़ी। यहाँ पे मेरी दी अभी खाना खा के दो चार घंटा नहीं, 1 घंटे आराम करके उसके बाद पढ़ाई कर रही है। दीदी, अब इसका मूड अपसेट है एक बात को लेकर।
कौन सा बात है बताओ दीदी? मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो गया। वो रिजेक्ट नहीं है, ठीक है, नॉट सबमिटेड था, सबमिट ही नहीं हुआ तुम्हारा फॉर्म। एडमिट कराने वाला था यार, बहुत बड़ी टेंशन हो गई। लोचा हो गया इसके साथ, कोई बात नहीं, हमेशा होते रहता है। तुम्हारा सर्दी अभी तक ठीक नहीं हुआ? मेरा सर्दी इस जन्म में ठीक ही नहीं होगा। अभी जा रही हूँ कैफे। कैफे जाओगी अभी? तो कुछ देर बाद, अभी बहुत भीड़ होगा। कुछ देर बाद ये कैफे जाने वाली है, क्योंकि इसका जो फॉर्म था ना वो सबमिट ही नहीं हुआ शायद। अब क्या होगा, अब तो एडमिट कार्ड मतलब बीएड का जो भी फॉर्म, बीएड का ही है ना, अब तो एग्ज़ाम होने वाला है ना, तो तुम्हारा फॉर्म ही नहीं भराया। ओह पागल हो, फॉर्म भरा चुका पता नहीं मेरा एडमिट कार्ड क्यों नहीं आ रहा है। उस दिन बोले थे भैया कि फॉरगेट पासवर्ड वगैरह वो सब करेंगे तो हो जाएगा। पासवर्ड लेके गए थे तो फॉरगेट क्यों करेंगे। सो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं कैफे, देखते हैं क्या होता है, बगल में ही है। मैंने बोला मैं भी चलती हूँ, अभी शाम का टाइम है, देखते हैं क्या क्या है, नहीं है, हो जाए तो अच्छा है यार, एक साल बर्बाद होने से बच जाएगा। अभी जस्ट हम लोग आ चुके हैं और भैया बोले ना 2 दिन बाद होगा, है ना? टेक्निकल कुछ इशू आ रहा है, पता नहीं, देखते हैं क्या होता है नहीं होता। तुम सबको सही से भरी थी ना? यस। पता नहीं क्या करके ये आती है। हमेशा लोचा बीड़ी सोता, इस बार इसका लग गया। खैर कोई बात नहीं यार, मजाक की बात है, एक मेरे दिमाग खराब हो रहा है। और इसको आप देख सकते हो पेड़ा खा रही है, पेड़ा। अभी रोई है थोड़ा सा। मुझे हंसना नहीं चाहिए पर हम क्या करें। तुम्हारे साथ होता ना तब तुमको पता चलता। तुमको लगता है हम फॉर्म के लिए इतना सीरियस हो सकते हैं? तुम्हारे रोने से क्या हो जाएगा, हाँ सही हो जाएगा, नहीं ना 2 दिन बाद वेट करो ना, हो जाएगा सही। नहीं होगा तो? हो जाएगा, नहीं क्यों होगा यार, निगेटिव पूरा दिमाग में तुम बैठा के रखी होगी, नहीं होगा, हो जाएगा, ठीक है ना? निगेटिव का बात नहीं है, वहाँ पे लिखा रहा था ना फॉर्म नॉट सबमिटेड, मतलब फॉर्म ही सबमिट नहीं किया होगा तभी तो वो लिखा रहा था ना। अब जो भी होगा 2 दिन बाद देख लेंगे ना। 2 दिन बाद एग्जाम है 23 को, ठीक है? तो आराम से बैठ के 1 किलो जा रहे हैं, मिठाई खरीद के ला देंगे खाना। तुमको कुछ नहीं फर्क पड़ता। फर्क पड़ता है, ठीक है ना, हमको फॉर्म का नहीं पड़ा है, तुम्हारा पड़ा है, ठीक है ना? तुम जैसे मुंह लटका के बैठी हुई हो, छोड़ो ना, अगले साल भर लेना, क्या ही जाता है। टाइम भी तो जा रहा है ना, सारा बर्बाद हो रहा है। कौन सा तुम्हारा 1 साल बाद शादी होने वाला है, अब क्या ही कर सकती इसमें, कुछ नहीं कर सकती हो ना। मान के चलो अभी हम बैठ के रो ही ले तो क्या, इससे क्या हो जाएगा, तुम्हारा साथ दें हम रो के। 2 दिन वेट करो, जो होगा देखा जाएगा। ऐसे रोने से मुंह लटकाने से नहीं कुछ होता है, ठीक है? और हम दोनों बहन का आदत है, जब भी हम लोग बहुत ज्यादा टेंशन में आते हैं ना, बहुत कुछ खाने लगते हैं। बहुत ज्यादा खाने पीने लगते हैं। तुम्हारे में ये है ना कि तुम टेंशन में रहते हो, तुम सोती नहीं हो। हाँ, टेंशन सोते में नहीं। बहुत सोते हो। मेरे में उल्टा है, बहुत ज्यादा नींद आने लगती है, भूख भी लग जाती है बहुत ज्यादा। टेंशन में तो हम भी बहुत खाते हैं, ये भी बहुत खाती है। और ये पूरा आधा केजी था इसमें पेड़ा बचा हुआ, हम तो टेस्ट भी नहीं किए, हमको नहीं अच्छा लगता। तुम्हारा क्यों मुंह लटका हुआ है भाई, क्या दिक्कत क्या है? तुम्हारा लाइफ ही अच्छा है, पूरे दिन बस यहाँ पे बैठे रहते हो। शाम का नजारा, इतना सुंदर फूल खिल के आया है ना, बहुत सुंदर लग रहा है ये। इसको आप देख सकते हो, ऐसा रहा हुआ फेस। भर पेट खा के 2 गिलास पानी ठंडा ठंडा पी के अब यहाँ पे सर रही है। तो अकेले रहने दो। अकेले? अकेले कैसे रहेंगी यार, हम दोनों साथ साथ रहते हैं ना। सब बोलती भी है काफी साथ साथ रहती हो। हम तुम्हारे दुख के टाइम में तुमको कैसे छोड़ दे। दुख में देखो दीदी कोई नहीं साथ देता है, ठीक है ना, लेकिन हम तुम्हारा दे रहे मारोगी अभी दोड़ा मारे। यार क्या हुआ, क्या हो रहा है मेरे साथ? कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है, एगो फॉर्म से तुम्हारा जिंदगी नहीं वो हो रहा है।
डिसाइड कि कुछ नहीं कर पाओगे एगो फॉर्म की वजह से, ठीक है? फॉर्म बहुत तुच्छ चीज़ है। वाह, 6 मंथ बाद फिर से आएगा, फिर से भर लेना। वाह, 6 मंथ में नहीं आ पाओगे। तो कितने मंथ में आते? वाह निया, ओ 1 साल के बाद, कोई बात नहीं, भर लेना। अभी तक हमारा साथ था और कल भगवान से दुआ करना, यहाँ तक साथ का था रे। भगवान से दुआ करना कि मेरा फॉर्म मतलब मेरा एडमिट कार्ड आ जाए और जल्दी जल्दी से एग्ज़ाम हो जाए बस। ये इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है ना? मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। आई होप कि सब सही हो जाए। भी सही होगा, फिर भी मिलूंगी। हमको लगता है लात खाने की ज़रूरत है। खा जाऊंगी मैं, अब मैं कुछ भी बोली तो मैं खा जाऊंगी, उनको पता है, इसलिए मैं साइड हो गई हूँ। वो तो मतलब नॉर्मल बात है ना, जो 1 साल बाद फिर भी भर सकते हैं। अरे नहीं, ऐसा नहीं है कि जो यही लास्ट है, लेकिन फर्स्ट टाइम भरी थी तो थोड़ा सा हो जाता है ना, जो आ जाएगा। काहे तो टेंशन ले रही हो बे? खुद भी ले रही है, हमको भी दे रही है छुट्टियों का। बहुत बोल ऐसे मैं बोल रही हूँ, लेकिन हमको भी टेंशन हो रहा है, ठीक है ना? नहीं भी आएगा तो कोई बात नहीं, चलो छोड़ो। अभी तो घर पे किसी को बताए भी नहीं हम लोग कुछ भी। वीडियो अपलोड होगा, सब पता चल जाएगा सबको। अभी वीडियो अपलोड होगा कुछ देर बाद। ये वीडियो आज का है, आज। अरे का? वो भैया बोले ना, जो अभी बोले थे ना, जो कल देखना, कल ट्राई करना, एडमिट कार्ड आ सकता है। कभी कभी एरर नहीं हो जाता है नेटवर्क वजह से, टेक्निकल इशू हो जाता है। वही हो गया होगा, तो हम लोग कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।